जामताड़ा जिले में डुप्लीकेट सामान बनाने वाली फैक्ट्री का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां विश्वसनीय ब्रांड्स के स्टिकर्स के साथ नकली सामान बेचने का काम चल रहा था। फैक्ट्री से 4 गैलन नकली सैनिटाइजर बनाने की लिक्विड, डिटॉल ब्रांड के खाली बोतल, टाटा कंपनी का प्रीमियम और टाटा गोल्ड के पैकेजिंग रैपर सहित कई ब्रांड्स के स्टिकर भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं। दरअसल इस बात का खुलासा तब हुआ जब अनुसंधान ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की टीम ने जामताड़ा थाना पुलिस के सहयोग से शहरी क्षेत्र अंतर्गत माहुल डेंगाल मोहल्ले में छापेमारी की, जहां रैपर, बोतल, स्टिकर सहित 6 लाख का माल बरामद किया गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने सारे माल को जब्त कर लिया है और छापेमारी के दौरान मौजूद 2 मजदूरों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ये डुप्लीकेट माल होलसेल के रूप में न होकर रिटेल सप्लाई किया जाता था, जिसमें बड़े कारोबारियों का नाम सामने आने की आशंका जताई जा रही है। सर, ये हमारी कंपनी के कुछ तेल वगैरह आती है, इसका जो बाजारों में ना डुप्लीकेसी हो रही थी, तो किसी कस्टमर का कंप्लेन भी किया हुआ था कंपनी में, तो उसके ऊपर छानबीन हुई, तो फिर यहाँ पर आकर जो देखे हुए तो मतलब दुकानों में भी सही में बिक रहा था। ओरिजिनल माल हमारा सुपर स्टॉकेज के पास ऐसी है पड़ा हुआ है, लेकिन डुप्लीकेट माल धड़ल्ले से बिक रही है, उसके वजह से हमारा सेल डाउन हो गया था। उसके बाद छानबीन हुई तो जांच करते करते पता चला कि यही लोकल में कोई व्यापारी है जो कि सप्लाई दे रहा है इनको। फिर उनके ठिकाने पर पहुँचे, तब यहाँ SP साहब को इन्फॉर्म किए, उसके बाद थाने अध्यक्ष महोदय को इन्फॉर्म किए, उन्होंने पुलिस बल के साथ वहाँ पर छापेमारी की, वहाँ पर सब भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया। क्या क्या जैसे ऐसे क्या क्या चीज़ है इसमें? सर, डाबर आंवला हेयर ऑयल है, मेरिको के तेल है, और टाटा प्रीमियम चाय पत्ती है, एलकम के पिन ऑयल है, और डिटॉल हैंड सैनिटाइजर जो कि अभी ज़्यादा खपत हो रही है, और डिटॉल हैंड वॉश सब में पानी भरा हुआ, मतलब एकदम लो ग्रेड की प्रोडक्ट उसमें यूज़ किया गया है। रैपर बॉटल सब हमारी कॉपी की हुई है हमारी कंपनी की। ये बाजार रोड में है अभी, उनका नाम पूरा अभी पूछताछ चल रही है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उस जगह पर से, अभी उनकी पूछताछ चल रही है, ये करीब 3-4 महीने से चल रही है। अभी इस पर कॉपीराइट ट्रेडमार्क एक्ट लगेगी और 400BC का भी केस बनेगा, IPC की धारा भी लगेगी। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।